नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार झा और मेरे साथ हैं विक्रम सिंह। हम लोग लेके आए हैं कक्षा 4 रिमझिम से दूसरा पार्ट, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ में कौन से शब्द हैं और इस कहानी का सार क्या है। इससे पहले मैं ये बता दूं, इस कहानी के 3 वीडियो हैं। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम आप कहानी के शब्दार्थ और कहानी का संक्षिप्त वर्णन समझेंगे, और वीडियो 2 में हम इस कहानी का आदर्श पाठ करेंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। इसी के साथ कहानी का तीसरा वीडियो होगा, जिसके अंदर इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की जाएगी, जिसका लिंक भी आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों के अर्थ। जो शब्द इस पाठ में यूज प्रयोग हुए हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है और उसका एक एक वाक्य हम करेंगे। तो पहला शब्द है इस कड़ी का, मुसीबत, जिसका अर्थ है संकट। हाँ सर, एक वाक्य बताइए। मुसीबत या संकट, संकट। तो इसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि सभी दरबारी बिरबल को मुसीबत में फंसाना चाहते थे। अच्छा, सभी दरबारी मिलकर बीरबल को मुसीबत में फंसाना चाहते थे, या ख्वाजा सरा ने बीरबल को मुसीबत में पहुंचाने के लिए कुछ उपाय सोच लिया था। ठीक है, ये बच्चा सवाल हल नहीं कर पा रहा है तो ये संकट में है, प्रॉब्लम है, इसको टीचर स्कूल में डांटेगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मुश्किल, जिसका अर्थ है कठिन, हिंदी में जिसको डिफिकल्ट कहते हैं, या जो पहली वाला मुसीबत था उसमें प्रॉब्लम भी उसका एक अर्थ हो सकता है। मुश्किल, कठिन, इनके लिए एक वाक्य बताइए सर। जी, मेहनत करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेहनत करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगला शब्द पढ़ते हैं, अचकन, जिसका अर्थ होता है लंबा कोट, जिसको हम चित्र से समझ सकते हैं। ये एक लंबा कोट है जो गले से लेके नी घुटने तक की ऊंचाई तक का हो जाता है। तो विक्रम जी, एक वाक्य बताइए। जी, राजा ने अचकन पहना हुआ अचकन पहना था। राजा ने राजा ने अचकन अचकन पहना था। जहांपनाह, जिसका अर्थ होता है महाराज या राजा। ये महाराज या राजा का चित्र है। इसमें जो उन्होंने पहरा हुआ है वो भी एक तरह का अचकन हो सकती है। तो महाराजा या जहांपनाह पे एक वाक्य बताइए सर। जी, जहां पना दरबार में आ रहे हैं। जहांपनाह दरबार में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। अभिमान, जिसका अर्थ है घमंड या प्राउड, तो इस पे एक वाक्य बताइए सर। हमें कभी भी घमंड या हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगला है संतुष्ट, जिसका अर्थ है तृप्त, जो हम इसमें समझ सकते हैं इमोज, खुश है वो, सेटिस्फाइड है। इसका क्या अर्थ है, इसका वाक्य प्रयोग बताइए विक्रम जी। अकबर बीरबल के जवाबों को सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए। बीरबल के जवाबों को सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए, या बीरबल के जवाब संतोषजनक, संतुष्टिजनक थे। आगे बढ़ते हैं। विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, इसके लिए एक वाक्य बताइए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए या भरोसा रखना चाहिए। ठीक है विक्रम जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कहानी को संक्षेप में समझते हैं। कहानी में मुख्य पात्र हैं 3, जो हम जानते ही हैं। पहले मुख्य पात्र हैं इसमें अकबर, अकबर जो कि वहां के राजा हैं, महाराज हैं, जहांपनाह हैं। दूसरे एक पात्र हैं उसके अंदर बीरबल, जो उनके मंत्री हैं, दरबारी हैं। और तीसरे पात्र हैं ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा जो कि
एक दूसरे दरबारी हैं और जो बीरबल से ईर्ष्या भाव जलन रखते हैं और बीरबल को नीचा दिखाने के लिए वो तरह तरह के युक्तियां लगाते रहते हैं। तो मैं विक्रम जी से जानना चाहूंगा कि इस कहानी में जैसा सवाल वैसा जवाब कहानी की संक्षिप्त में अगर आप हमें समझाएं तो आप हमें कैसे समझाएं। जी, ये जैसा सवाल वैसा जवाब, ये कहानी है, तीन मुख्य पात्र हैं, अकबर, बीरबल और ख्वाजा सरा। जो ख्वाजा सरा है वो बीरबल से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि बीरबल ज्यादा बुद्धिमान है, तो वो हरदम ये कोशिश करते हैं कि वो कैसे ना कैसे बीरबल को फंसा ले, मुसीबत में डाल दे। तो ख्वाजा सरा तीन कठिन प्रश्न सोचता है और बादशाह से कहता है कि आप ये प्रश्न, ये सवाल बीरबल से पूछो, वो इनके जवाब नहीं दे पाएगा। तो बादशाह बीरबल को बुलाता है दरबार में और उनसे तीन सवाल पूछता है। पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल दरबार में जाके एक जगह पर छड़ी गाड़ देता है और कहता है कि ये संसार का केंद्र है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो पूरी जो जमीन है उसको नपवा लीजिए, नाप लीजिए, यही संसार का केंद्र मिलेगा जी। तो दूसरा सवाल ये था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका जवाब देते हैं बीरबल कि एक भेड़ मंगवाते हैं, भेड़ के जितने भी बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। एक भेड़ मंगवाई जाती है दरबार में जिसमें ये कहते हैं कि जितने इनके बाल हैं इतने ही आसमान में तारे हैं। जी विक्रम जी, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये था कि संसार की आबादी कितनी है, यानी संसार में कुल कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है। जी विक्रम जी, तो इसके जवाब में बिल्कुल कि लोगों की संख्या है जो वो हर दिन घटती या बढ़ती रहती है, क्योंकि कुछ लोग जन्म लेते हैं कुछ मर जाते हैं, तो घटती बढ़ती रहेंगे। जी, अगर हम सभी को एक जगह इकट्ठा कर ले तो हम उनको आसानी से गिन सकते हैं। तो क्या ख्वाजा सरा बीरबल के जवाबों से संतुष्ट थे? नहीं, वो बीरबल के जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। तो वे पूछते हैं कि सही सही उत्तर बताओ, ऐसे गोल मटोल जवाब नहीं दो। तो बीरबल कहते हैं कि ऐसे सवालों का ऐसा ही जवाब होता है। अच्छा, इसका अर्थ है जैसा जैसा सवाल वैसा जवाब। और क्या अकबर संतुष्ट थे उनके जवाबों से? जी, अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट। अच्छा, अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट थे। ठीक है विक्रम जी, तो इसी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, संक्षेप वर्णन। और कहानी के आदर्श पाठन पठन के लिए कहानी का पार्ट टू वीडियो है, टू का, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। संक्षिप्त में कहानी ये है कि ख्वाजा सरा तीन सवाल लिख के लाते हैं बीरबल के लिए, जो कि बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उसने सोचे थे, और बीरबल उनका संतोषजनक जवाब देके उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं। क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं और क्या अर्थ हैं, इसके लिए हम आपको वीडियो पार्ट टू में ले जाएंगे, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अल्फा प्लस एजुकेशन। और इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।